नमस्कार, मैं हूं अभिजीत भारद्वाज। आप सभी का स्वागत है लाइव झारखंड ब्रेकिंग के दिन भर की बड़ी खबरों में। दिन भर की बड़ी खबरों के प्रायोजक हैं शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, गोकुल रेस्टोरेंट, लक्ष्मी विलास बैंक एंड गोल्ड लोन्स, आवरण होम प्लस और जीरो वरीज प्राइवेट लिमिटेड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, कहा करारी हार से विपक्ष हो गया है हताश। चाईबासा पतलगड़ी हिंसक झड़प मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण राव ने चाईबासा मामले पर सरकार पर बोला हमला, मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। रांची जिले के मांडर में जाली नोट छापने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, जाली नोट समेत कई अन्य सामग्रियां बरामद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर कल झारखंड में रहेगा राजकीय अवकाश। जामताड़ा रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया, सांसद सुनील सोरेन समेत अन्य लोगों ने दी सलामी। दुमका पुलिस को वाहन चोर गिरोह के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, एक चोर के साथ 5 बाइक बरामद। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा चतरा में डेयरी प्रोजेक्ट, जलापूर्ति योजना, हार्ट कल्चर पार्क और सड़कों का बिछाया जाएगा जाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा मध्य प्रदेश की सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी की तर्ज पर दिल्ली में भी दी जाएगी सुविधा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आरोप, मोदी सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के भविष्य को खतरे में डाल रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्रीय गृह मंत्री की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि बसपा सीए और एनआरसी के मुद्दे पर बहस को तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कुछ ताकतें हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना चाहते हैं। सिल्ली विधायक सुरेश महतो ने सोनाहातु प्रखंड में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हॉकी झारखंड के प्रमुख भोलानाथ सिंह के प्रयास से भटक रहे झारखंडीय खिलाड़ियों को मिली होटल में जगह। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने सीसीएल के विस्थापितों की समस्याओं को सुना।